सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा। हाथरस में हुए इस बाबा के सत्संग में मची भगदड़ को लेकर जांच तेज हो चली है और इस बीच कई बातों का खुलासा हैरान कर रहा है। मसलन बाबा के वकील का दावा है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर एक जहरीला स्प्रे वहां पर छिड़का जिसकी वजह से भगदड़ मची, लेकिन एक महिला ने इस पूरे दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उधर न्यायिक जांच आयोग अपनी जांच जारी रखे हुए है। जांच टीम ने हाथरस जाकर कुछ चश्मदीदों और आम लोगों से बातचीत की। उधर जो बाबा अपने वीडियो में भक्तों के सामने ये दावा करता था कि वो प्रलय ला सकता है, उसके एक साथी ने, पुराने साथी ने ऐसी बात कही जो बाबा के पैरों के तले जमीन खिसका दी। इसके अलावा फंड का फंडा क्या था, कैसे किसी भी भक्त से एक रुपया भी दान में न लेने वाला बाबा करोड़ों के साम्राज्य का मालिक बन गया, उसे खड़ा कर दिया, इसके पोल खुल चुके हैं। एक एक करके आपको पूरी खबर आज हम बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक बात जो बेहद चौंकाने वाली है वो ये है कि मौत का जो आंकड़ा 121 बताया जा रहा है, ये उससे अधिक संख्या हो सकती है। इसके पीछे लोगों का ये भी कहना है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो बाहर से इस प्रवचन में शामिल होने के लिए आए थे और उनके अपने इस हादसे के शिकार हुए, लेकिन उन्होंने शवों का पोस्टमार्टम नहीं कराया। हालांकि इस दावे की कोई पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, इसलिए ये बात पूरे दावे से नहीं कही जा सकती है। इस बीच बाबा नारायण सरकार हरि के वकील एपी सिंह ने ऐसे सनसनीखेज दावे किए जो हैरान करते हैं। इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ही आ गया। एपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है और कुछ लोगों ने भीड़ में जहरीला स्प्रे छिड़कने का काम किया जिससे लोग भागे, भगदड़ मची। भोले बाबा के वकील ने कहा कि सत्संग के दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि यहां पर अज्ञात स्कॉर्पियो दिखाई दी थी, 15 से 16 लोग आए थे, जहरीला स्प्रे किया, नशीला स्प्रे छोड़ा और भाग गए। वे अपने पैंट और गमछे में जहरीला स्प्रे छिपा कर लाए थे, उसे सूंघते ही लोग जमीन पर जा गिरे। इसके बाद भगदड़ मची और एक के बाद एक लोग जमीन पर गिरने लगे और फिर हालात बेकाबू होते चले गए। सत्संग में शामिल स्वयं सेवक भी उन्हें संभाल नहीं पाए। वकील क्या कह रहे हैं सुनिए। यहां पर 15-16 लड़के, युवक, अच्छे, मजबूत, किसी का गमछा पड़ा हुआ, कोई काली हाफ पैंट पहने हुए और हाथ में इस तरह का बोतल लगती थी। लोगों को तो बोतल लगेगी, अब स्प्रे बता रहा हूं तो इसलिए, देखने में सबको बोतल लग सकती, पानी की बोतल ठंडी, इस तरह से वो एक साथ भागना शुरू हुए, आगे पीछे नहीं, एक साथ भागना शुरू हुए। उन्होंने इस तरह से स्प्रे को दबा रखा था और वो पूरा पॉइजनिक स्प्रे था, जहरीला स्प्रे था, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, महिलाओं ने बताया कि एक सांस जैसे खींची बस उसके सांस ही बेहोशी आ गई, उस सांस के बाद उन्हें होश नहीं रहा, उसी में गिर गई, क्योंकि उनके साथ महिलाओं के साथ कोई पुरुष था नहीं, वहाँ गिर गई और फिर उसके ऊपर से निकलते रहे, वो भगदड़ मच गई और लोग गिरते रहे, कुछ मरते रहे, कुछ की इम्यूनिटी कम थी, कुछ की इम्यूनिटी ज़्यादा थी, कोई प्राणायाम करता है, किसी के फेफड़ों की प्रॉब्लम है, कुछ इस तरह की रही चीज़ें जिनकी वजह से लगातार ये क्रम होता रहा और वो गिरते रहे, लोग मरते रहे। हालांकि इसके उलट इसी प्रवचन में मौजूद एक महिला का ये भी कहना है कि स्प्रे वाली बात सही नहीं है। महिला की तरफ से क्या कहा गया ये जरूर सुनिए। नहीं सर, ये गलत है, वहाँ पर कोई स्प्रे करने वाला नहीं था, वहाँ पर सारे लोग अपने बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ कोई स्प्रे करने वाला नहीं था। हमने उनके नजदीक से देखा, जहाँ पर गड्ढे में लाश पड़ी थी वहाँ से देखा, वहाँ पर कोई स्प्रे नहीं थी। नहीं, आप जब लोग वहाँ पर जो लोग भाग रहे थे, उनका कहना था कि जब लोग भाग रहे थे तो उस वक्त 15 लोगों के आसपास थे, उनमें से 6-7 लोग स्प्रे कर रहे थे जिससे बेहोशी कर रही जाती है, बेहोश हो जा रही थी महिलाएं, ऐसा था क्या? नहीं सर, सब औरतें तरा ऊपर ऐसे लग रहा था मतलब सेट कर देंगे, किसी ने सेट हो गई थी। हम तो जब गड्ढे और वहाँ पर थोड़ी सी जगह थी जो ट्रक के पास में निकल गई थी, निकलने की कोशिश कर रही थी, उस वजह से वो गड्ढे में सारी जा पड़ी। उधर बाबा किस तरह से अपनी बातों में लोगों को उलझा कर बेवकूफ बनाया करता था, इस बात का खुलासा सूरजपाल के ही एक पुराने साथी ने कर दिया। नाजर सिंह, जो कि सूरजपाल और भोले बाबा का 10 साल का साथी, 10 साल नौकरी साथ में करते थे, उन्होंने एक बड़ा पर्दाफाश किया और कहा कि बाबा के पास कोई चमत्कार नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बाबा के पास वाकई में कोई चमत्कार होता तो वो अपने रिश्तेदार की बेटी को जिंदा कर देता। परिवार के बारे में साधारण जिंदगी उनकी ज़्यादा नहीं थी, उनके कोई औलाद नहीं थी, इतने हम जानते हैं, ना बच्चा अब तक हुआ ना होगा। बाबा लोग कहते माता श्री का जानती हो तो बताएं हमें, अबे तुम क्या जानती हो, कौन है माता श्री?
माता उसमें पत्नी, उसे लोग माता श्री कहते हैं। क्या नाम है उनका? वो नाम तो सुना, क्या नाम है? पहले से ही वही है पत्नी उनकी? पहले पत्नी तो वही है उनकी, वही है, बच्चा कोई नहीं हुआ है ना। फिर इनका एक साले की लड़की मर गई थी, जहीं की बात है सब बता, साले की लड़की मर, हम बाबा जिंदा कर लेंगे, बोले बाबा लड़के कीड़े बनने लगे तो बुलाए लोग सड़वाओ गलवाओ, बाबा जिंदा तो नहीं कर पाया। वहीं इससे पहले हाथरस भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को CJM कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस मीडिया से बचने के लिए मधुकर को पीछे के दरवाजे से दौड़ा कर बाहर लाई थी, तभी वो मुंह के बल गिर पड़ा। पुलिस कर्मियों ने उसे तेजी से संभाला और फिर दौड़ाते हुए जीप में बैठा कर ले गए। मधुकर और उसके एक अन्य साथी संजीव यादव को अलीगढ़ जेल भेजा गया है। बताएं कि देव प्रकाश को शुक्रवार रात दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। इसके पहले 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। इस पूरे मामले में पुलिस अब इस एंगल से भी जांच करने में जुटी हुई है कि आखिर बाबा के पास इतना पैसा आता कहां से था। ऐसे में क्या कोई पॉलिटिकल फंडिंग होती थी, इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता। बिहार के पटना में पहले इस हाथरस हादसे को लेकर BJP नेता ने बाबा पर मामला दर्ज करा दिया है, जबकि इसके पहले शनिवार को भोले बाबा उर्फ सूरजपाल की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया और कहा गया कि 2 जुलाई की भगदड़ से बाबा दुखी हैं और बाबा ने कहा कि हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवी हैं वो बख्शे नहीं जाते। बताएं कि दूसरी तरफ बाबा के भक्त और हाथरस प्रवचन के मुख्य आयोजनकर्ता मधुकर के बैंक खाते की जानकारी अब जुटाने में पुलिस लगी है। जमीन का भी पता लगाया जा रहा है। राजस्व आयकर की टीम को अलर्ट कर दिया गया है, संपर्क किया गया है। मधुकर एटा में 2010 से मनरेगा में इंजीनियर के पद पर संविदा पर काम करता है। पुलिस ने बताया कि मधुकर से पूछताछ में यह पता चला कि उसके और अन्य सेवादारों के द्वारा सूरजपाल की गाड़ी को भीड़ के बीच से निकाला गया। हादसे वाले दिन आयोजकों को यह पता था कि गाड़ी निकलते समय चरण रज के लिए लोग जमीन पर झुकेंगे जरूर और इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद गाड़ियों का काफिला भीड़ के बीच से ही निकाला गया। सूरजपाल के आयोजन से कई सालों से ये जुड़ा हुआ है, संगठन के लिए वो फंड भी एकत्रित करता रहा है। सत्संग की अनुमति उसी के नाम से ली गई थी। फिलहाल पुलिस ने मधुकर के खातों को सीज कर दिया। इस मामले की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग ने शनिवार को सिकंदर राव में सत्संग स्थल का निरीक्षण किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सत्संग स्थल की क्षमता का आकलन किया गया, प्रवेश और निकास के द्वार भी देखे गए, जिससे भी जरूरत होगी पूछताछ की जाए। 2 महीने के भीतर अपने रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है और उन्होंने कहा कि हम तय समय में रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करें। रविवार को भी जांच टीम ने लोगों से बात की और घटना की जानकारी ली गई, लेकिन बाबा को लेकर और जो चौंकाने वाली बात सामने आई है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। दरअसल बाबा के काफिले में 25-30 गाड़ियां हर वक्त रहा करती थी, जिसमें शामिल फॉर्च्यूनर गाड़ी से खुद बाबा चला करता था। वैसे तो नारायण साकार विश्व हरि भले ही अपने भक्तों से कोई दान नहीं लेता था और यही दावा करता था कि हम दान नहीं लेते, लेकिन उसने बड़े शातिर तरीके से कई ट्रस्ट बना दिए। वो खुद को दान से अलग रखता लेकिन ट्रस्ट के जरिए उसने बेशुमार दान जुटाया था। बाबा के साम्राज्य की बात करें तो ये करीब 100 करोड़ रुपए का बताया गया। इसमें ज्यादातर अचल संपत्तियां शामिल हैं। मैनपुरी आश्रम में लगे एक बोर्ड पर भी नजर साफ आता है कि इसमें तमाम भक्तों ने जमकर दान किया था, दिल खोलकर दान किया था। इतना ही नहीं, बाबा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में महल नुमा आश्रम खड़े कर रखे थे, आलिशान। उनके पास कुल 24 आश्रम है, जबकि इसका कुल 100 करोड़ रुपए का विशाल साम्राज्य भी है।